बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नमान अहमद है और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पिछले 20 साल से एसोसिएटेड हूँ और ज़्यादातर मेरा ताल्लुक होम टेक्सटाइल से है, लेकिन मैंने अपैरल गारमेंट्स में भी काफ़ी काम किया हुआ है। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मेरी वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी जो मैं टेक्सटाइल कॉस्टिंग के हवाले से कराता हूँ, स्पेशली बेड लिनन के हवाले से कराता हूँ, फ्लैट शीट, फिटेड शीट, पिलो कवर, कम्फर्टर्स में और टावर्स में भी कराता हूँ। काफ़ी लोगों ने अटेंड की होंगी, लेकिन बहुत से लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। तो एक तो बात यह है कि हम एक टेक्सटाइल चैनल शुरू करना चाह रहे थे, क्योंकि तकरीबन 3 साल की मैंने वर्कशॉप्स के अंदर एक चीज़ फील की है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग वर्कशॉप्स अटेंड करने मेरे पास आते हैं, वो इवन दे आर टेक्सटाइल ग्रेजुएट्स, फिर भी उनको टेक्सटाइल की वो नो हाउ नहीं होती है जो एक इन डेप्थ होनी चाहिए। देखें, मेरी एक बात सुनिएगा, ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, बट द थिंग इज कि वो आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं, वीविंग पूरी पढ़ा रहे हैं, साइंसेस पूरी पढ़ा रहे हैं, उसकी पिगमेंट डाइंग पूरी पढ़ा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन वो एक एक सेक्शन पे काम करेगा। बट व्हेन कम्स टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केटिंग में जहां आपको कस्टमर्स पकड़ने होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होती है, मर्चेंडाइजिंग करनी होती है, देयर यू नीड टू बी वेरी एग्रेसिव इन योर मार्केटिंग और आपको एक बेसिक नो हाउ होना चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, स्पेशली वाइल डूइंग कॉस्टिंग। जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन हेमटेक्स इन फ्रैंकफर्ट और यू आर सिटिंग इन न्यूयॉर्क, ठीक है ना, और आपके सामने आपका कस्टमर बैठा हुआ है और आपको 5 मिनट में प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट देनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंफर्टर है, एक बेड इन अ बैग है, एक टावल है, एक बेडशीट है, तो कैसे देंगे? राइट फ्रॉम कॉटन टू यार्न टू डाइंग टू स्टिचिंग और पूरी एक्वी शिपमेंट, दैट्स नॉट एन इजी थिंग। इसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड विजन। उसके लिए हम लोगों ने एक टेक्सटाइल चैनल शुरू किया है ताकि हम बेसिक टेक्सटाइल्स दें। अच्छा, ये बेसिक टेक्सटाइल्स सिर्फ टेक्सटाइल्स वालों के लिए नहीं है, वो लोग जो टेक्सटाइल्स में आना चाहते हैं उनके लिए भी होगा, ये कोर्स होगा, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मैंने बहुत से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के देखे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। बट द थिंग इज कि ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर नॉट टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स, दे आर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए भी टेक्सटाइल की ये वर्कशॉप्स, ये क्लासेस बहुत फायदा देंगी। इसके अलावा मर्चेंडाइजर्स के लिए, प्रोडक्शन प्लानर्स के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग में जो लोग हैं, मार्केटिंग में हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स जिन लोगों को पकड़ना है, ये सारे लोग जो है वो आपको बहुत देंगे। थोड़ा सा मैं अपना को अपना बैकग्राउंड दे दूं, मैंने बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज में पाकिस्तान के काम किया है और वहां पे हमने ज्यादातर जो है वुमेन फैब्रिक्स में, बेडलिन में, डेनिम में और सारी कंपनीज एंगेज थी। टावल्स का मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने टावल्स में बहुत काम किया हुआ है। सो व्हाट आई थिंक, हम एक ऐसा चीज डेवलप करें टेक्सटाइल चैनल जो स्पेशली हो फॉर टेक्सटाइल्स। देखिए, इस वक्त मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं टेक्सटाइल के जो काम कर रहे हैं, एक नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और एक है टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान कराची में, दोनों बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 2 इंस्टीट्यूट कितने प्रोडक्ट निकालेंगे, कितने लड़के निकालेंगे, कितने 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 आउटपुट होगी उनकी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों इंस्टीट्यूट के लड़के दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी आउटपुट है, बट स्टिल कितना कितना निकलेगा। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाखों में, बल्कि लाखों मिलियंस में लोग काम कर रहे हैं और उनको सब कुछ पता होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक टेक्सटाइल कोर्स डेवलप किया। हाँ, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन 2 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एक नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और एक टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान कराची, ये 2 बड़े जॉइंट इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी भी इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जरूरत है एक ऐसे टेक्सटाइल चैनल की जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑल इन वन प्लेस मिले। हम इसमें क्या करेंगे, मैं बताता हूं। हम इसमें आपको कॉटन के बारे में बताएंगे, स्टेपल लेंथ बताएंगे, कॉटन स्टेपल फाइबर बताएंगे, इजिप्शियन कॉटन क्या होती है, कार्डेड कॉटन क्या होती है, कोम्ब कॉटन क्या होती है, ये सारी चीजें बताएंगे। फिर कॉटन से जो यार्न बनता है वो यार्न बताएंगे, कोई यार्न कैसे बनता है, कार्डिंग क्या है, कोम्बिंग क्या है, यार्न मैन्युफैक्चरिंग क्या है। फिर जैसे आइटम्स के अंदर, यानी जो यूज होता है, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, तौलिए की पाइल में कौन सा यार्न यूज होता है, वेफ्ट में कौन सा यूज होता है, ग्राउंड में कौन सा यूज होता है, लूम्स के बारे में बताएंगे आपको, सुलजर क्या है, वामाटेक क्या है, एयरजेट क्या है, पावर लूम क्या है, और इसके अंदर कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इसकी इसके अलावा आपको वीविंग का पूरा बताएंगे, वार बताएंगे, वेफ्ट बताएंगे, एंड्स बताएंगे, पिग्स बताएंगे,
कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है, 30-30, 76-68 कैसे कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है, 40-40, 100-80 कैसे कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है, ये सारी कंस्ट्रक्शन बताई जाएंगी, इसकी डिटेल्स आपको पूरी। फिर आपको एक लूम है उसमें 2 पन्ने 3 पन्ने कैसे चलाए जाते हैं, उसकी कंजम्पशन कैसे निकलती है, सब कुछ बताया जाएगा इसके अंदर आपको। इसके बाद गोइंग अहेड आपको जो अगला स्टेप बताया जाएगा वो आपको आपकी वेट प्रोसेसिंग, इसको स्टार्ट करेंगे प्री ट्रीटमेंट से, जिसमें डिसाइजिंग किया है, स्कावरिंग किया है, ब्लीचिंग किया है, और आपकी क्या कहते हैं पूरी प्री ट्रीटमेंट क्या है, पीएफपी क्या होता है, आरएफडी क्या होता है, आरएफडी इज रेडी फॉर डाइंग, पीएफपी इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग, हाफ ब्लीच क्या होता है, ये सब डिटेल्स बताई जाएंगी। इसके बाद आपको डाइंग बताई जाएगी, पेंटोन नंबर क्या होता है, पेंटोन शेड क्या होता है, आरजीबी रेड ब्लू ग्रीन ये सब क्या होता है, इससे कैसे कलर फॉर्मेशन होती है, कलर किचन क्या होता है उसके बाद। लेकिन बहुत इनडेप्थ नहीं बताया जाएगा, जितनी आपको जरूरत होगी उतना ही बताया जाएगा इसके अंदर। और उसके अंदर फिर आपको डाइंग के सारे रूल्स बताएंगे, पिगमेंट क्या है, रिएक्टिव क्या है, वैट क्या है, डिस्पर्स क्या है, थर्मोसोल पे कैसे डाइंग होती है, थर्मोसोल होता क्या है, जेट्स क्या होते हैं, जिगर क्या होते हैं, विंचे क्या होती है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्रिंटिंग के बारे में बताया जाएगा, प्रिंटिंग में आपको एनग्रेविंग बताया जाएगा, आपको रोटरी प्रिंटिंग बताया जाएगा, बुजुर्ग प्रिंटिंग बताया जाएगा, डिजिटल प्रिंटिंग बताया जाएगा, इसमें रिएक्टिव वैट कैसे होता है, डिजाइनिंग पूरी बताई जाएगी, डिजाइनिंग कैसे होती है, रिपीट्स क्या होती है, रिपीट्स कैसे बनाई जाती है, डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं, अमेरिका में कौन सी थीम्स चलती है, यूरोप में कौन सी थीम्स चलती है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी थीम्स चलती है, ये सारा सिस्टम आपको अंदर बताया जाएगा। इसके बाद जो आपका स्टेप आता है फिनिशिंग का आता है, फिनिशिंग में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कौन कौन सी फिनिशिंग, इक्वलाइजेशन क्या होती है, बेसिक फिनिशिंग क्या होती है, हीट सेटिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड सेटिंग क्या होती है, सब कुछ डिटेल्स बताई जाएंगी। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल फिनिश, सॉइल रिलीज फिनिश, अलग अलग फिनिशिंग बताई जाएगी। लैब टेस्टिंग में आपको बताया जाएगा क्रॉकिंग क्या है, ड्राई क्रॉकिंग क्या है, वेट क्रॉकिंग क्या है, लाइट फास्टनेस क्या है, पूरी डिटेल्स होंगी। इसके बाद फिर हम आपको लेके जाएंगे कंजम्पशन से, बेसिक कंजम्पशन तो आपको बताएंगे इसमें कि फ्लैट शीट, पिलो कवर, बेडशीट, कंफर्टर, पॉलीफिल और गारमेंट्स में डेनम है, शर्ट है, पैंटेसी कंजम्पशन कैसे निकलेंगी। और उसके बाद फिर आपको हम स्टिचिंग पे लेके जाएंगे, स्टिचिंग में एसपीआई स्टिच पर इंच क्या होती है, डबल हेमिंग क्या होती है, सिंगल हेमिंग क्या होती है, ओवरलॉक क्या होती है, पिलो कवर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब बताया भी जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको दिखाए जाए, जिससे आपको ये पता चले कि ये चीजें बनती कैसे, होती कैसे। अच्छा जी, ये सारी चीजें हो गई हैं, हम इसके बाद एक स्टेप और आगे चलते हैं, जो स्टेप आपका चलता है आपका स्टिचिंग के बाद एफओबी शिपमेंट्स क्या होते हैं और आपके सीएनएफ शिपमेंट्स क्या होती हैं, एफओबी शिपमेंट्स, सीएनएफ शिपमेंट्स, एलसी क्या होती है, सीएडी क्या होती है, डीए क्या होता है और किस तरह से बनाया जाता है, तो ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। देखिए पाकिस्तान में छोटे बड़े सारे से टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं, जितने भी टेक्सटाइल के इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। दो बड़े इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान कराची में बहुत अच्छा काम, इसके अलावा सैफडेक है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखें ऑल इन वन प्लेस, मैं चाहता हूं कि डिग्री डिप्लोमा इज समथिंग वेरी गुड जो ये लोग दे रहे हैं और आई मस्ट अप्रिशिएट देम, मैं उन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें एक वीडियो ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में एक जगह मर्ज होकर सामने आ जाएं, ताकि कोई भी आदमी उसको पढ़ना शुरू करे, समझना शुरू करे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने जो टेक्सटाइल वर्कशॉप शुरू की थी वो इसी कॉन्सेप्ट से शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें काफी सक्सेसफुल रहे, तो अब हम इसको और आगे लेके जा रहे हैं। इस ट्यूटोरियल की एक और जरूरत इसलिए पड़ी कि जो लोग फैसलाबाद में है, लाहौर में है और जो लोग मुल्तान में है, जो कराची के बाहर है, प्लस नॉट ओनली कराची के बाहर, पाकिस्तान के बाहर है, बहुत से लोग मुझे बांग्लादेश के अंदर होते हैं, टर्की में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, वो लोग सीखना चाहते हैं टेक्सटाइल्स के बारे में, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है ये सब चीजों के लिए। तो मुझे अल्लाह से बहुत दुआ है और मैं अच्छी उम्मीद करता हूं कि हमारे टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत तरक्की दें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बहुत बेहतरीन विजन के साथ काम कर रहे हैं। और मैं इन्हीं के साथ लगकर एक अपना टेक्सटाइल चैनल खोलना चाहता हूं और इन्हीं की शागिर्दी में, मैं इन्हीं की शागिर्द, और मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम इंस्टीट्यूट में भी जाके कुछ इनके इंटरव्यूज भी लिए जाए, इनको भी प्रमोट किया जाए, ताकि पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान में प्रमोट हो सके। और मैं टेक्सटाइल के बैकग्राउंड के हवाले से बता दूं आपको, बेहतरीन फील्ड है, आप लोग इसमें आइए, एक बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत अच्छा है, नाम भी बहुत अच्छा है, बट यू नीड टू गिव सम टाइम इन दिस फील्ड, ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे अब अगले ट्यूटोरियल्स में मुलाकात होती रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।